हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीता कुमारी सिंह। कैसे हैं आप सभी? मैं बहुत अच्छी हूँ, आई थिंक आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। तो एडवांस हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को। और तो मैंने इस बार जन्माष्टमी में एक कान्हा जी के लिए मैंने क्राउन तैयार किया है, और बहुत ही सुंदर और बहुत ही कम खर्च में। तो चलिए देखती हूँ मैं कैसे तैयार करती हूँ। तो इसके लिए हम लोगों ने लिया है न्यूज़पेपर, जो कि सबके घर में ही अवेलेबल होते हैं, और इस तरीका से लंबे तौर पे इसको फोल्ड कर लेना है, और ये वन साइडेड टेप की सहायता से इसको लॉक कर देना है। जहाँ पर एंडिंग रहेगा वहीं से इसको लॉक कर देना है। लॉक करके इसको राउंड शेप में हम लोग ले करके इस तरह से आएंगे, और जो उसका एंड होगा उसको भी टेप से क्लोज कर देंगे। तो ये मैंने बना के रखा था पहले से ही। और ये है, मेरे पास एक दुपट्टा थी घर पे, उस दुपट्टे को मैंने अच्छे से पतले करके फोल्ड कर लिया है, चार फोल्ड में फोल्ड किया है। और अब इसको मैं बाहर से अंदर की तरफ डाल डाल के पूरे राउंड में, पेपर के जो पूरे राउंड है उसमें घुमा घुमा के मोड़ दूँगी। इसको मोड़ने के टाइम बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो दुपट्टा का जो लेयर है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जाए, तो ये बनते हुए चला जाएगा। और इसको बांधने के लिए ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लास्ट में जो यहाँ पे बचे हुए हैं इसी से ही मैं इसको बांध करके रेडी कर दूँगी। ये पूरे बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। इससे यहाँ पे देखिए मैं इसी को लॉक कर दे रही हूँ, और ये खुलेंगे नहीं। मृगांक बहुत अच्छे से घूम के भी आ गया, ये खुला नहीं। बच्चे होते हैं ना, पहनते हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छे से हमें तैयार करके देना पड़ता है। तो ये फिर उसके बाद मैं ये मयूर पंख लगा रही हूँ, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। और उसके बाद मैंने ये पुरानी राखियाँ रखी थी बहुत सारी, तो ये राखियों को मैं फेंकी नहीं हूँ, उसका मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इससे मैं इसको मैं बांध भी दूँगी। और यहाँ पर मैंने टू साइड टेप लिया है, जिसके सहायता से मैं मयूर पंखों को अच्छे से खड़े करने के लिए वहाँ पे पीछे से चिपका कर कपड़े के साथ चिपका दे रही हूँ। और तीन से चार राखियाँ मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। और यहाँ पर मैंने अपने ईयर रिंग्स का भी यूज़ किया है। ईयर रिंग को यहाँ पे देखिए लटकन की तरह लटका दिया है। और ये कुछ मोतियों के भी, ये भी राखी के ही मोतियाँ हैं। ये सारा मैंने लगा करके तैयार किया है। तो आपके भी घर पे जो भी बचे हुए सामान होते हैं सजावट के, जैसे कि राखी वगैरह का है या फिर कोई सामान का कोई डिज़ाइन है, तो वो भी डाल करके आप तैयार कर सकते हैं। यही है लास्ट फिनिशिंग। तो कैसा लगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोग भी ज़रूर बनाएँ, घर पर बहुत कम खर्च में ये हो जाता है। थैंक यू।